का सीजन और क्रिसमस के बाद आता है हैप्पी न्यू ईयर वाला सीजन, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर में खूब दारू मुर्गा पार्टी जो चलता है, खूब पी पा के लोग टुल हो जाते हैं और मुर्गा खा के नशे में रहते हैं। जी हाँ, यानी आप जो उल्टा समझ सकते हो आप समझ लीजिए। जी हाँ, कौन पी के टुल होता है, कौन खा के नशे में होता है, ये आप लोग सभी लोगों को पता है। न्यू ईयर में सब लोग यही करते हैं। तो ऐसे में अगर पी के टुल होना है और खा के नशे में रहना है तो भाई एक चीज की कमी होती है। जी हाँ, गाना का, यानी कि जिस धुन पे आप गाते हैं, जिस धुन पे आप पीने के मस्त होते हैं और जिस धुन पे खाना कुछ ज्यादा विशेष खाते हैं, वो गाना अगर नहीं आए तो मजा नहीं है। और ऐसे में खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह, यानी कि एक इधर ट्रेंडिंग स्टार और इधर पावर स्टार पवन सिंह का गाना आएगा या फिर नहीं आएगा हैप्पी न्यू ईयर पे। जी हाँ, किसका गाना आएगा? वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव हमेशा 30 तारीख या 31 तारीख को एक गाना हर साल लेके आते हैं, कुछ बड़ा ही डीजे पार्टी सॉन्ग, ताकि वो 31 तारीख को भी बजता है, 30 तारीख को भी बजता है और 1 तारीख को भी बजता है। और जब बजता है तो भैया बजते ही चला जाता है और बज बज के इतना ज्यादा बजता है कि भैया लोग सुन सुन के उसको याद कर लेते हैं। उस पर खूब दारू छलकाते हैं, जाम छलकाते हैं, सिगरेट थमकाते हैं और यूं कहें तो भैया खूब तंगड़ी कबाब खाते हैं। जी हाँ, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह भी भैया कम नहीं है। पावर स्टार पवन सिंह भी हैप्पी न्यू ईयर पे लेके नहीं आते, लेकिन अपने 5 तारीख वाला बर्थडे वाला, 5 के नाच के बाज के वाला जो कहानी है वो बर्थडे पे करते हैं। अब देखना है कि इस साल 2023 पावर स्टार पवन सिंह लेके आते हैं पार्टी सॉन्ग या फिर नहीं आते, या खेसारी लाल यादव ही अपना पार्टी सॉन्ग लेके आएंगे, क्योंकि पवन सिंह भी काफी दिनों से यूं कहें तो नथनिया पे गोली 100 गो 6 गो 9 गो वाला जो कहानी है, और हथियार चलाने के बाद, भाड़ा पे हथियार देने के बाद अभी तक कुछ नहीं आया। पहले भाड़ा पे हथियार देते हैं, फिर उसके बाद नथनिया पे 9 गो 100 गो 6 गो लहंगा पे जो गोली चलाते हैं, उसके बाद अभी तक कोई सा भी फायरिंग नहीं हुआ। इधर खेसारी लाल यादव नींबू यानी कि खरबूजा वाला सीन कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद कौन सा सीन होगा ये अभी तक भी नहीं पता चल पाया है कि सीन होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भैया न्यू ईयर का सॉन्ग है, न्यू ईयर का टाइम है, तो भाई गाना तो बनता है ना, पावर स्टार पवन सिंह का भी बनता है और खेसारी लाल यादव का भी बनता है, ताकि हम लोग थोड़ा पार्टी को इंजॉय कर सके। 2023 की जो विदाई है, जो शाम है, उसको बहुत शिरकत से पवन सिंह और खेसारी जी का गाना सुन के विदाई कर, और जो आगमन हो वो कहीं ना कहीं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने को सुनकर हम आगमन करें, ऐसा हमारा सोचना है। बाकी आपका क्या सोचना है कि खेसारी जी का गाना आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, पावर स्टार पवन सिंह का गाना आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, क्या सोचते हैं हैप्पी न्यू ईयर पे गाना आएगा या फिर नहीं आएगा, जो भी आपके दिमाग में इधर उधर की खुजली चल रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और भी कुछ कहना हो तब भी आप नीचे लिख सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।